हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू ओके इससे पहले हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू आज हम देखेंगे क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू सो लेट मी फर्स्ट डू द प्रैक्टिकल जस्ट लुक एट द बोर्ड ओनली ओके okay. सबसे पहले हम यहाँ से एम एस एक्सेस ओपन करेंगे सर्च पे जाएंगे एक्सेस को मैं ओपन करता हूँ बेटा ओके okay. हम ब्लैंक यहाँ से एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं नाउ यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ गई है बाय डिफ़ॉल्ट अदरवाइज़ आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो क्रिएट पे जाके टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टेबल टू यहाँ पे आ चुकी है टेबल पे आप क्लिक करेंगे और इस पे व्यू पे जाकर डिजाइन व्यू को सेलेक्ट करेंगे अगेन एक बार फिर से बताता हूँ बेटा टेबल जो आपके लेफ्ट पेन में है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन व्यू पे जाकर डिजाइन व्यू को सेलेक्ट करेंगे और इस टेबल का नेम कुछ भी दे देंगे आप ओके ओके नाउ यहाँ पे डिफॉल्ट दि हमारे पास आईडी आया है यहां पे हम इसको रोल नंबर कर देते हैं और रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो नंबर होगा हमारा आपका नेम जो टेक्स्ट में होगा एड्रेस ये भी टेक्स्ट में होगा पिन ये भी टेक्स्ट में होगा एंड सॉरी पिन आपका नंबर में होगा एंड देन लास्ट आपका एज वो भी आपकी नंबर में होगी इस टाइप से आप आपकी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अब ये हमने टेबल क्रिएट कर दिए लास्ट टाइम पे मैंने बताया था फील्ड को क्रिएट करना डेटा टेप्स क्या होते हैं ये भी मैंने लास्ट टाइम पे बता दिया था अब हम ये देखना चाहते हैं यूज जो इस टेबल में डेटा है तो डबल क्लिक करके हम इसको सेव करेंगे एंड ओपन करेंगे तो ये देखो बेटा यहाँ पर रोल नंबर नेम एड्रेस पिन एज ये यहाँ पर आपके सामने आ गया तो दिस इज़ द वे यू कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू ओके सो हियर आर द स्टेप्स लुक एट द स्टेप नंबर वन क्लिक ऑन क्रिएट टेब सबसे पहले क्रिएट टेब पे क्लिक करेंगे देन टेबल डिजाइन फ्रॉम द टेबल ग्रुप अ न्यू टेबल इज इन डिजाइन व्यू ओपन अप टाइप द नेम ऑफ द फील्ड इन द फील्ड नेम हमने फील्ड नेम दिए थे रोल नंबर नेम एज एड्रेस वगैरह ठीक है और उसके बाद प्रेस टैप की करेंगे टू मूव द टू द डेटा टाइप कॉलम और हर टाइप का जो फील्ड है उसमें किस टाइप की आपको वैल्यूज़ को एंटर कराना है फील्ड मतलब किस कॉलम में आपको किस टाइप की वैल्यू को एंटर कराना है तो आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा एन एरो अपीयर्स फ्रॉम फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द डेटा टाइप कॉलम क्लिक एरो एंड सेलेक्ट द डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर फील्ड नेम फ्रॉम योर लिस्ट तो जैसे आप डेटा टाइप वाले पे क्लिक करोगे वहां पे मल्टीपल हो क्या होंगे data type option होंगे आपको अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन कॉलम एंड टाइप द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड मैंने बताया था जो थर्ड कॉलम होता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है ओके okay? अगर आप उस पर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो वाई यू आर चूजिंग द नेम फॉर द सेम फील्ड और डेटा टाइप ऐसा कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो आप क्या करेंगे उस डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे एंड द द ऑफ फील्ड इज ऑप्शनल आप चाहो तो उसको ब्लैंक भी रख सकते हो ओके ओके लुक एट हियर हमने क्रिएट पे क्लिक करा था बेटा टेबल डिजाइन पे क्लिक किया इसके बाद ये देखो बेटा टेबल आ गई यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आप फील्ड का नाम दोगे जो जो कॉलम आप अपने टेबल में क्रिएट करना चाहते हो रोल नंबर देन डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे डेटा टाइप से यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल है यहाँ पे आप इस रोल नंबर फील्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे देखो बेटा आप जब भी इसको सेव करेंगे ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जहाँ पे आपको टेबल नेम देना है यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स एंड देन ओके This is the way you can create your table using design view. Okay. Now, डू यू नो द बॉटम हाफ ऑफ द डिजाइन व्यू विंडो डिस्प्ले द फील्ड प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट टाइम पर बताया था बेटा कि जो बॉटम हाफ पार्ट होता है वो डिजाइन व्यू में जो बॉटम हाफ पार्ट होता है वो क्या होता है उस फील्ड की प्रॉपर्टी होती है द फील्ड टाइप यू हैव सेलेक्टेड द फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट टू कंट्रोल द अपेयरेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिवेंट इन करेक्ट एंट्रीज एंड ऑल्सो स्पेसीफाई द डिफॉल्ट वेल्यूज तो आप जिसे आपने कभी कोई फॉर्म भरा होगा तो वहां पे आता है स्टार लगा हुआ आता है तो उस फील्ड को फिल करना नेसेसरी होता है मैंडेटरी टास्क होता है अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टीज़ आपका इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप जो सेकेंड हाफ में प्रॉपर्टी डायलॉग प्रॉपर्टी होती है वहां से सेलेक्ट कर सकते हो ये देखो बेटा दिस इज द प्रॉपर्टी फील्ड प्रॉपर्टी अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम को सेलेक्ट कर रखा है तो नेम से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है फील्ड की साइज 255 होगी क्योंकि मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले रखा है बेटा फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए इनपुट मास्क कैप्शन ऑलरेडी फील्ड के अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए ये यह सब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब होता है कि आप उसको वो मैंडेटरी हो जाएगा उसके अंदर वैल्यू डालना अगर आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड को यस yes कर दिया तो कोई भी यूजर उस फील्ड को उस कॉलम को ब्लैंक नहीं रख सकता है क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर जो अभी हमने किया था बेटा क्रिएट टेब टेबल डिजाइन फ्रॉम द टेबल ग्रुप यूज द टेबल नेम एंड डेटा टाइप एज गिवन एंड सेव द टेबल तो ये टेबल है जो आपको क्रिएट करनी है ओके okay? आप अपने पी सी पे इसके बाद आता है कंसेप्ट प्राइमरी की का प्राइमरी की का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना बेटा इधर प्राइमरी की क्या होती है कि जैसे किसी भी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है जो उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी जैसे आपका रोल नंबर हो गया आपका फोन नंबर हो गया ये सब क्या होते हैं या आधार नंबर हो गया पेन नंबर होता है ये सब क्या होते हैं ये होते हैं प्राइमरी की होते हैं यानी कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू आती है फील्ड में वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है लुक एट हियर द टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन फील्ड दैट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड ईच रिकॉर्ड का मतलब ये था एक स्टूडेंट का पूरा नाम उसका इंफॉर्मेशन पूरी वो एक रिकॉर्ड हो गया फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का आया अब एक क्लास के अंदर जैसे मान लो कि राज नाम के थ्री स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उनका रोल नंबर तो यहाँ पे हम रोल नंबर को क्या बना देंगे रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना देंगे ताकि वो डुप्लीकेट अगर कोई सेम रोल नंबर को दोबारा से एंटर करे तो वहां पे एरर जनरेट हो जाए प्रैक्टिकल I mean करके बताऊंगा इसका ओके द रोल नंबर फॉर एग्जांपल इन स्कूल डेटाबेस द रोल नंबर ऑफ each student uniquely identify each student of a class you might have the same name <coughs> but you never have the same roll number as your friend to so, आपका नाम सेम हो सकता है पर आपका रोल नंबर सेम नहीं होगा इसी टाइप से आपका नेम सेम हो सकता है लेकिन आपकी ईमेल आईडी सेम नहीं होगी आपका फोन नंबर सेम नहीं होगा बेटा तो दीज आर द फील्ड्स वी कैन क्रिएट एज यूनिक लाइक प्राइमरी की सो इन द द स्कूल रोल नंबर फील्ड इज द प्राइमरी की की तो स्कूल हम हम बात करें, जहां पे हम किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम प्राइमरी की के थ्रू कर सकते हैं प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू नल वैल्यू का मतलब होता है कि जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बना दिया एक तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है सेम वैल्यू दो बार नहीं आ सकती है और सेकेंड है उसको आप एम्प्टी नहीं रख सकते हो नल वैल्यू का मतलब होता है उसको एम्प्टी रखना ओके okay? तो आप उसको एम्प्टी नहीं रख सकते हो होल्यू द प्राइमरी इन अदर टेबल्स तो यह इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या होता है बेटा इधर देखो जैसे मैंने यहां पे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं इसके अंदर रोल नंबर है नेम है और क्लास है और एक और यहां पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है रोल नंबर नेम एंड कोर्स कोर्स रोल नंबर नेम और सी ओ यू आर एस ई कोर्स ये दो टेबल बना दी बेटा अब इस फर्स्ट टेबल में इस फर्स्ट टेबल में मैंने ये रोल नंबर को क्या बना दिया है प्राइमरी की बना दिया है इसको क्या बना दिया है प्राइमरी की बना दिया है अब यहां पे मैं जैसे वन जीरो वन राज क्लास एट लिख सकता हूं लेकिन अगेन मैं 101 लिखता हूं यहाँ पे राज लिखता हूं n8th लिखता हूं तो वो एरर को देगा वो क्या बोलेगा कि जो रोल नंबर है इसको आपने हाँ प्राइमरी की बनाया है इसके अंदर सेम रोल नंबर दोबारा एंटर नहीं हो सकता है इस केस में बेटा हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में हमको यहाँ पे रोल नंबर चेंज करना पड़ेगा यहां पे हमने नेम को प्राइमरी की नहीं बनाया तो यहां पे राज मल्टीपल टाइम आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन जो यहां पे रोल नंबर होगा वो सेम नहीं हो सकता है इसी टाइप से यहाँ पे पे क्लासेस सेम हो सकती है। अब हम रोल नंबर, इस टेबल में भी रोल नंबर देते हैं <coughs> ये दूसरी टेबल बनाइए बेटा तो इस टेबल में ये प्राइमरी की किसका काम करेगी ये फॉरेन की का काम करेगी ये फॉरेन की बन जाएगी एक एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की कहलाती है समझ में आया एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में यूज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं है? है। यहाँ पे इसको ब्लैंक भी नहीं रख सकता हूँ मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक भी नहीं रख सकता हूँ तो दो इंपॉर्टेंट टास्क हैं प्राइमरी की के बेटा क्या है एक तो हम नल वैल्यू मतलब कि उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। नल वैल्यू मतलब उसको वो फील्ड एम नहीं हो सकता है सेकंड है यूनिक वैल्यू यूनिक वैल्यू होनी चाहिए आप सेम वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते हो तो प्राइमरी की का कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जिसको जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बना रहे हो डिजाइन टाइम पे उसके अंदर आप यूनिक वैल्यू रखोगे सेकंड जब आप प्राइमरी की के अंदर जिस भी फील्ड को प्राइमरी की अलॉट कर रहे हो उस फील्ड के अंदर ब्लैंक नहीं होना चाहिए आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो सो डू यू नो इफ यू डू नॉट डिफाइन अ प्राइमरी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आस्क यू टू क्रिएट इट वेन सेव द टेबल अगर आपने किसी को प्राइमरी की नहीं बनाया है तो जब आप अपने टेबल को सेव करोगे तो एम एस एक्सेस आपको पूछेगा कि डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ प्राइमरी की और नॉट ओके तो इस टाइप से वहां पर देर इज नो प्राइमरी की डिफाइन इस टाइप का मैसेज वहां पर जनरेट होगा ओके okay, मैं प्राइमरी की बना के बताता हूँ आप लोगों को आपको स्क्रीन पर देखना है ओके ओके अगेन मैं एमएसएक्सिस को ओपन करता हूँ बेटा यहाँ से और ये देखो यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ टेबल डिजाइन यहाँ पे देखो फील्ड का नाम ले रहा हूँ मैं रोल नंबर रोल नंबर नंबर ले लिया और इस रोल नंबर पे ये देखो बेटा सेलेक्ट करके ये प्राइमरी की को असाइन कर दिया देखो यहाँ पे की का साइन आ गया है ये हमारा रोल नंबर क्या बन गया है प्राइमरी की बन गया है नेम जो हम टेक्स्ट लेते हैं ऑल द टाइम और एज अगेन नंबर्स में आएगी एंड क्लास आपकी आएगी वो भी नंबर्स में आएगी और इस टेबल को मैं ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है जिसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि दिस इज़ ऑप्शनल और ये जो नीचे की साइड में आ रहा है ये क्या है बेटा ये फील्ड प्रॉपर्टी है ये फोर फील्ड्स और उसके डेटा टाइप्स को हमने क्रिएट किया है और मैं यहाँ पर डबल इसको सेव करूँगा टेबल टू नहीं हाँ इसको हम बात करेंगे रेजोनैन्स नाम से मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ ये देखो बेटा रेजोनेंस नाम से टेबल आ गई है डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे आ गया है अब देखो बेटा रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया था अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन जीरो वन नेम अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज एज है इसकी एट और क्लास है इसकी फिफ्थ ओके टेप करके मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे वन ज़ीरो वन अगेन मैं वन जीरो वन टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं राज टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन एट एंड फाइव को टाइप करता हूँ देखना अभी एरर जनरेट करेगा ये देखो इसने एरर जनरेट कर दी है यहाँ पे द द चेंज यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स तो ये बोल रहा है आपने यहाँ पे क्या कर दिए डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दिए अब डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता हूँ मैं और यहाँ पे 102 कर देता हूँ ओके okay, इसने देखो राज एट और फाइव ये जो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू ली है इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है क्योंकि मैंने नेम एज और क्लास को प्राइमरी की नहीं बनाया था अब अगेन मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं डालता हूँ आर्यन क्लास इसकी टेन क्लास सिक्स या सेवन अब देखना बेटा मैंने मैंने ये बताया था कि जो प्राइमरी की फील्ड होता है उसको आप ब्लैंक नहीं रख सकते हो बेटा तो अगेन देखना ये देखो इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन वैल्यू मतलब आप उनको एम्प्टी नहीं कर सकते हो तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज यहां पे एंटर करनी होगी यहां पे मैं वन जीरो थ्री करता हूं एंड हियर ये टेबल है हमारी अब अगेन मैं इसको यहां से इसको डिजाइन व्यू में ओपन करता हूं व्यू पे जाऊंगा और डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा इसको बेटा और यहाँ से मैं प्राइमरी की हटा देता हूँ और इसको सेव करूँगा ओके अब यहाँ पे प्राइमरी की हटा दिया है अब मैं यहाँ पे रोल नंबर वन जीरो वन वन ज़ीरो वन ओके अब देखो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने रोल नंबर से प्राइमरी की को हटा दिया है आई होप आपको प्राइमरी की का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ओके okay, इसके बाद आता है बेटा स्विचिंग व्यूज स्विचिंग व्यूज तो हमारी टेबल के फोर व्यूज होते हैं बेटा एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट व्यूज टू वर्क विद योर डेटा यू कैन ईजीली स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनादर देर आर फोर व्यूज टू वर्क टेबल तो पुराना जितना भी आता था बेटा एमएसएक्स उसके अंदर फोर व्यूज आते थे अभी सिर्फ टू व्यूज आ रहे हैं डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू पाईवोड चार टेबल एंड पाईवोड टेबल व्यू हम नहीं यूज करते हैं ठीक है अब तो जो मेन व्यूज होते हैं वो दो ही होते हैं बेटा एक तो डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू द टू मेन व्यूज आर द डेटा शीट व्यू इसको हम स्प्रेड शीट व्यू भी बोलते हैं एंड सेकेंड है डिज़ाइन व्यू जिसको हम टेबल स्ट्रक्चर व्यू भी बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि दो व्यूज होते हैं हमारी टेबल के फर्स्ट व्यू इज द नेम ऑफ द फर्स्ट व्यू इज़ डेटा शीट व्यू ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रेड शीट व्यू एंड द डिज़ाइन व्यू सेकेंड वन इज द डिजाइन व्यू ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल स्ट्रक्चर व्यू अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू का तो ध्यान से देखना बेटा डेटा शीट व्यू क्या करता है इट डिस्प्ले द व्यू ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम फॉर्मेट विच अलाउ यू टू व्यू एंटर एंड मैनिपुलेट डेटा तो आपको हमेशा डेटा शीट व्यू में आपको अगर टेबल व्यू देखना है जहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स हों तो आप डेटा शीट व्यू में जाते हैं यहाँ पे आपको आपका आपका जो डेटा है उसको देख सकते हो साथ में उसको चेंज भी कर सकते हो ओके okay. इसके बाद आता है बेटा डिज़ाइन व्यू इट डिस्प्ले द व्यू विच अलाउ यू टू एंटर फील्ड नेम डेटा टाइप एंड द डिस्क्रिप्शन इन टू योर टेबल तो डिज़ाइन व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो आप डेटा फील्ड का नेम सजेस्ट कर सकते हो कि क्या फील्ड का नेम रहेगा एंड उसका जो डेटा टाइप है वो क्या रहेगा तो आप सिंपली अपने टेबल को डिज़ाइन करते हो और यहाँ पे आप डेटा को एंटर करते हो टू स्विच बिटवीन व्यू सिंपली क्लिक व्यू फ्रॉम द व्यू ग्रुप ऑफ होम टेब फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज दू यू वॉन्ट ओके तो आपने देखा बेटा सिंपली आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे और व्यूज ग्रुप से व्यू पे क्लिक करेंगे और वहां पर आपको जिस भी व्यू के अंदर अपने टेबल को सेलेक्ट करना है या शो करना है आप वहां क्लिक कर सकते हो इसके बाद आता है बेटा इसके बाद आता है एंट्रिंग डेटा

इंसर्शन पॉइंट मूव टू द फर्स्ट फील्ड ऑफ द नेक्स्ट लाइन तो देखना बेटा यहां पे यह आपकी टेबल है बेटा यहां पे आता है रोल नंबर मान लेते हैं हम नेम एज ओके तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा बेटा यहाँ पे आपका कर्सर आएगा आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू को पुट करेंगे उसके बाद टेब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहां आ जाएगा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा नेम लिखेंगे फिर कर्सर को प्लेस करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे यहाँ पे आप अपना एज को पुट कर देंगे अब यहां से जब आप अगेन टेब की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो नए नय, जो नया रो है उसके फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा नहीं रोके फर्स्ट फील्ड में ही आ जाएगा यहां पे आपको अगेन ओके okay, समझ में आया ओके रिमेंबर द टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इन डिजाइन व्यू ऑफ टेबल टू एंटर डेटा इन टू अ टेबल यूज डिजाइन डेटा सीट व्यू तो देख लो बेटा यहां पे साफ साफ है कि जब भी आप जब भी आप टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो न्यू टेबल को क्रिएट करना चाहते हो आप जब भी आप न्यू टेबल को क्रिएट करना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करेंगे बेटा डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और जब आप डेटा को एंटर करना चाहते हो यानी कि रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो इंफॉर्मेशन को तो आप डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे ओके मेनुपुलिटिंग डेटा ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू